अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर है। कारोबारी ज़िंदगी थम गया है, लेकिन ज़िंदगी का पहिया रवां तो रखना है। ज़िंदगी के पहिए के साथ साथ रेलवे के पहिए को भी घुमाना है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की सूरत हाल का अहवाल बताते हैं आपको। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एंट्रेंस पॉइंट पे सैनिटाइज़र गेट लगवाया गया, और जैसी गाड़ी की टाइमिंग है उससे हम एक घंटा पहले मुसाफिर को अंदर भेजते हैं। जो सी गाड़ी प्लेस होती है उसके मुसाफिर को हम एक घंटा पहले भेजते हैं, और उसमें हम इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि उसने मास्क वगैरह और इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कोई बग़ैर मास्क मुसाफिर आता है तो हम उसको इसकी एंट्रेंस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसेंजर को छोड़ने के लिए लोग आते हैं उनको अलाउ नहीं करते। सिर्फ जो पैसेंजर सफ़र करना है, जिसके पास सफरी टिकट है, हम उसको अलाउ करते हैं और घंटा पहले उसको एंटर करते हैं। और सामान की चेकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से हो रही है। अवाम तावन करती है आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तावन कर भी रही है। कुछ लोग हैं जो नहीं करते, जो इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन हम उनको उनकी उस बात पे फॉलो नहीं करते। जब तक वो SOP के तहत अंदर नहीं आते, हम लोग उनको अंदर दाखिल होने नहीं देते। अच्छा, एक अंदाज़े के मुताबिक दिन में कितनी ट्रेनें रवाना होती हैं यहाँ से? सर, दिन में तकरीबन मतलब सुबह 8 से ले कर तकरीबन शाम तक अप एंड डाउन की ट्रेनें होती हैं। 8 से 10 ट्रेनें जो हैं वो टोटल इस टाइम जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो 15 ट्रेनें अप की हैं और 15 डाउन की हैं। मैसेज को देना चाहें आवाम को? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग आते हैं, और उसमें बच्चों का जो है ना, बच्चों को वो मास्क ज़रूर पहनाएं। बड़ों को तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो इतना वो नहीं करते। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बावर करवाया जाए, और उनको भी मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र बच्चों को। और कुछ लोग हैं जो पैसेंजर्स को लेने के लिए आते हैं, अभी भी लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि जी हम लोग घूमने के लिए आए हैं या लेने के लिए हैं, तो बच्चों को इज्तनाब करें लाने से। जी बिल्कुल, आप लोग जो सफ़र के लिए ख़वातीन आती हैं उनको हम सख्ती से कहते हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना हम उनको स्टेशन पे उनकी एंट्री नहीं होने देते। अच्छा, ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? ख़वातीन को मेरा यही मैसेज हम लोग देते हैं कि जब आप लोग सफ़र के लिए या घर से बाहर निकलें तो मास्क और सैनिटाइज़र आपके पास हो, और ख़ासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक। और हुकूमत की तरफ से जो भी SOPs के तहत नहीं चलता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।